की ट्रेन है जो गुजरात से यूपी या बिहार या और लंबी रूट पे चलती है, उसमें ट्रेन की बहुत सारी कमी है अभी भी, क्योंकि जैसे ही फेस्टिवल सीजन शुरू होता है आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती और रेलगाड़ियों में लोग जानवरों की तरह ठूस के जाते हैं। तो लंबी दूरी की सरकार को ट्रेन और सारी चालू करनी चाहिए। 1, 2, 9, 5, 4 हाँ, थोड़ी साफ सफाई को लेके अभी भी और जागरूक होने की जरूरत है। रेलवे ने कुल मिला के काम अच्छा किया है, मगर इसमें अभी सेकंड स्लीपर की बहुत जरूरत है। सेकंड स्लीपर कम कर रहे हो, इससे ज्यादा कर रहे हो, तो मध्यम वर्ग के लिए सेकंड स्लीपर की मेन आवश्यकता ज्यादा है करके। अभी रेलवे ने क्या किया है, सेकंड स्लीपर और जनरल को कम किया है और एसी को बढ़ा दे दिया है। जनरल आम पब्लिक के और मीडियम पब्लिक के लिए काफी प्रॉब्लम वाली बात है सब। इसलिए हमारी तरफ से विनती सरकार से यह है कि सेकंड स्लीपर को वैसे के वैसे रखें, एसी के एक्स्ट्रा कोच करना है तो कर सकते हैं करके, उसे जनरल पब्लिक के लिए जगह मिल सकती है, कम बजट के अंदर यात्रा सफर आराम से कर सकता है करके। रेलवे में एक तो क्लीनिंग का प्रॉब्लम है और दूसरा सेफ्टी पर्पज में बहुत सारे इश्यू है, वो सब अभी क्लीन करने का है। और दूसरे ऐसे कई छोटे छोटे शहर है, वहाँ पे भी कनेक्टिविटी मिल जाए तो सेफ्टी अच्छा रहता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये ट्रैक पे जो क्रॉसिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सेफ्टी पर्पज से एकदम क्लीन हो जाए तो अच्छा है। लंबी दूरी की ट्रेन है जो गुजरात से यूपी या बिहार या और लंबी रूट पे चलती है, उसमें ट्रेन की बहुत सारी कमी है अभी भी, क्योंकि जैसे ही फेस्टिवल सीजन शुरू होता है आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती और रेलगाड़ियों में लोग जानवरों की तरह ठूस के जाते हैं। तो लंबी दूरी की सरकार को ट्रेन और सारी चालू करनी चाहिए। 1, 2, 9, 5, 4 हाँ, थोड़ी साफ सफाई को लेके अभी भी और जागरूक होने की जरूरत है। रेलवे ने कुल मिला के काम अच्छा किया है, मगर इसमें अभी सेकंड स्लीपर की बहुत जरूरत है। सेकंड स्लीपर कम कर रहे हो, इससे ज्यादा कर रहे हो, तो मध्यम वर्ग के लिए सेकंड स्लीपर की मेन आवश्यकता ज्यादा है करके। अभी रेलवे ने क्या किया है, सेकंड स्लीपर और जनरल को कम किया है और एसी को बढ़ा दे दिया है। जनरल आम पब्लिक के और मीडियम पब्लिक के लिए काफी प्रॉब्लम वाली बात है सब। इसलिए हमारी तरफ से विनती सरकार से यह है कि सेकंड स्लीपर को वैसे के वैसे रखें, एसी के एक्स्ट्रा कोच करना है तो कर सकते हैं करके, उसे जनरल पब्लिक के लिए जगह मिल सकती है, कम बजट के अंदर यात्रा सफर आराम से कर सकता है करके। रेलवे में एक तो क्लीनिंग का प्रॉब्लम है और दूसरा सेफ्टी पर्पज में बहुत सारे इश्यू है, वो सब अभी क्लीन करने का है। और दूसरे ऐसे कई छोटे छोटे शहर है, वहाँ पे भी कनेक्टिविटी मिल जाए तो सेफ्टी अच्छा रहता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये ट्रैक पे जो क्रॉसिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सेफ्टी पर्पज से एकदम क्लीन हो जाए तो अच्छा है।
लंबी दूरी की ट्रेन है जो गुजरात से यूपी या बिहार या और लंबी रूट पे चलती है, उसमें ट्रेन की बहुत सारी कमी है अभी भी, क्योंकि जैसे ही फेस्टिवल सीजन शुरू होता है आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती और रेलगाड़ियों में लोग जानवरों की तरह ठूस के जाते हैं। तो लंबी दूरी की सरकार को ट्रेन और सारी चालू करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी साफ सफाई को लेकर अभी भी और जागरूक होने की जरूरत है। रेलवे ने कुल मिलाकर काम अच्छा किया है, मगर इसमें अभी सेकंड स्लीपर की बहुत जरूरत है। सेकंड स्लीपर कम कर रहे हो, इससे ज्यादा कर रहे हो, तो मध्यम वर्ग के लिए सेकंड स्लीपर की मेन आवश्यकता ज्यादा है करके अभी रेलवे ने क्या किया है, सेकंड स्लीपर और जनरल को कम किया है और एसी को बढ़ा दे दिया है। जनरल आम पब्लिक के, मीडियम पब्लिक के लिए काफी प्रॉब्लम वाली बात है सब। इसलिए हमारी तरफ से विनती सरकार से यह है कि सेकंड स्लीपर को वैसे के वैसे रखें, एसी के एक्स्ट्रा कोच करना है तो कर सकते हैं करके, उसे जनरल पब्लिक के लिए जगह मिल सकती है, कम बजट के अंदर यात्री सफर, यात्रा सफर आराम से कर सकता है करके। रेलवे में एक तो क्लीनिंग का प्रॉब्लम है और दूसरा सेफ्टी पर्पज में, सेफ्टी पर्पज में बहुत सारे इश्यू है, वो सब अभी क्लीन करने का है। और दूसरे ऐसे कई छोटे छोटे शहर है वहाँ पे भी कनेक्टिविटी मिल जाए तो सेफ्टी अच्छा रहता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं ये ट्रैक पे, जो क्रॉसिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सेफ्टी पर्पज से एकदम क्लीन हो जाए तो अच्छा है।